हरियाणा चोणां दीआं 20 सीटां ते मुड़ तों वोटिंग दी मंग दा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पटीशन च ईवीएम दी बैटरी चार्जिंग नूं आधार बनाया गया। पटीशनकर्ता ने कहा कि चोणां दौरान ईवीएम नाल छेड़छाड़ की गई। कुछ ईवीएम 99% बैटरी समर्था ते काम कर रही सी, जबकि कुछ ईवीएम 99% तो घट पर 70% तक काम कर रही सी। हरियाणा के वकीलों वालों ये पटीशन दाखिल की गई है। पिछले दिन कांग्रेस ने भी ईसी नूं शिकायत की। मुंबई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले च एक होर गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के पानीपत के रेला कला पिंड तो लॉरेंस गैंग के शूटर सुखा काबू किया गया। शूटर सुखा एक होटल च लुकया सी, जिसने अपनी पछाण लुकाउण दे लई दाढ़ी ते वाल वधाए हुए सी। मुंबई ते हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया। सुखा ने ही फायरिंग दे लई हथियार मुहैया करवाए। लुधियाना शिवसेना आगू के घर से हमला होया। दो अणपछाते बाइक सवार ने रात के हनेरे का फायदा चुक के शिवसेना आगू योगेश बख्शी के घर से पेट्रोल बंब नाल अटैक किया। सीसीटीवी हमलावर कैद हुए हैं, जो बहुत आसानी नाल हमला करते हैं। घर के बाहर गड्डी खड़ी सी, किसी भी तरह के जानी नुकसान तो बचा रहा। योगेश बख्शी शिवसेना भारत वंशी के प्रधान। फाजिलका च बीओपी बहादुर चौंकी नेड़े बीएसएफ के स्टेट स्पैशल सैल में वड्डी कामयाबी मिली। भारत पाकिस्तान सरहद तो वड्डी तादाद च आरडीएक्स के नाल बैटरी ते टाइमर बरामद होया। ड्रोन जरिए विस्फोटक भारत भेजन का शक पुलिस ने जताया है। बीएसएफ ने तुरंत बंब निरोधक दस्ते सद के बंब न डिस्पोज ऑफ किया। बाद च बीएसएफ ने चप्पे चप्पे से सर्च ऑपरेशन किया। अबोहर च कुछ अणपछात्या ने एक घर से डांगा नाल हमला कर दिता। इट्टा रोड़े भी बराए गए। घर वालों ने बड़ी मुश्किल नाल अपनी जान बचाई। परिवार का इल्जाम है कि पंचायती चोणां की रंजिश को लैके हमला करवाया गया। मौके पर पहुंचे विधायक संदीप अरोड़ा ने घर वालों नाल संदीप जाखड़ ने घर वालों नाल मुलाकात की। हाल चाल जाणिया ते जल्द तो जल्द बनती कार्रवाई गल। अमृतसर के पिंड काले के जनरल स्टोर च भयानक अग लग गई। अग की चपेट च लखां का समान आया। अग लगन के सही कारणों का पता नहीं चल सकिया। हालांकि शॉर्ट सर्कट का खदशा जताया जा रहा है। नजदीकी लोगों ने अग की जानकारी मालक तक पहुँचाई, पर उदों तक अग पूरी फैल चुकी सी। फायर ब्रिगेड ने अग पर काबू पाया। मालक ने प्रशासन तो मदद की अपील की। फिलौर झोने की सरकारी खरीद से लिफ्टिंग ना होने करके किसानों ने हाईवे जाम कर दिता, जिस करके बस ट्रक कारां दीआं लंबीआं लाइनां लग गईआं। किसान आगुआं ने कहा कि किसान मंडियां झोना लैके बैठे ने ते उन्हां नूं खज्जल खुआरी का सामना करना पै रहा है। चेतावनी दिंदे हुए किसानों ने कहा कि जेकर मसला हल ना होया तो अणमिथे समय लई हाईवे जाम कर। फरीदकोट के पिंड हरी नौच होए गुरप्रीत सिंह कतल मामले च एक नवा मोड़ आया। गुरप्रीत के परिवार ने अमृतपाल के समर्थकों से गुरप्रीत के कतल के इल्जाम लाए ने। परिवार का कहना है कि कतल तो पहला कई दिन तक गुरप्रीत को धमकियां देते रहे। गुरप्रीत के अमृतपाल विचाले विवाद चल रहा है। वारिस पंजाब के दा मुखी बनने तो बाद अमृतपाल से गुरप्रीत विचाले वखरेवें शुरू हो गए थे, जिसका नतीजा एक कतल है। ब्यास के पिंड वडाला खुरद के एक पुत ने अपनी माँ का कतल कर दिता। इल्जाम ने कि कतल तो बाद शविंदर सिंह ने माँ की लाश को वेहड़े च दबता। ये सारे बयान मुलजम शविंदर की भैन ने पुलिस को दिते ने। पूरा मामला जायदाद नाम ना कराने संबंधी दसया जा रहा है। जिस वेले घटना वापरी मृतका की धी भी घर च मौजूद सी। पुलिस ने लाश को कब्जे च लैके मुलजम गिरफ्तार किया। समाणा के शुतराणा की तुगो बस्ती च पति ने पत्नी का गला घुट के कतल कर दिता। पति शराब पीन का आदि से, अक्सर घर च लड़ाई झगड़ा रहा, जिस करके पत्नी के भरा ने अपने घर च ही इन्हों रहन की थान दिती सी। जिस वेले घटना वापरी उस वेले होर परिवार घर च नहीं सी। शख्स ने पत्नी नाल चुन्नी का गला घुटिया ते बाथरूम च लाश छड़ के फरार होने की कोशिश कर रहा सी। बहादुरगढ़ च पैंदियां तीन फैक्ट्रियां नूं भयानक अग लग गई है। अग पहला कैमिकल फैक्ट्री नूं लगी सी, पर वेखदे ही वेखदे अग दे पंबड़ ने गत्ता फैक्ट्री ते शू फैक्ट्री नूं भी अपनी चपेट च लै लिया। फायर ब्रिगेड दीआं दर्जन गड्डियां ने बड़ी मुश्किल नाल अग ते काबू पाया। अग लगन दा कारण जलनशील पदार्थ दस्सिया गया। पंचायती चोणां दे नतीजों तो बाद मुकेरियां दे पिंड चरेड़ियां च माहौल तनावपूर्ण बन गया, जिथे हारे उम्मीदवार दे समर्थकां ते इल्जाम ने कि 8 तों 10 लोग तलवारां लै के दूजे पक्ष नाल गुंडागर्दी कर रहे हैं। चुनिंदा लोगों नाल कुटमार की जा रही है। हालत ये ने कि लोग अपने घरों चों बाहर नहीं निकल रहे। हंगामे दीआं कुछ तस्वीरां भी सामने आईआं ने। कुछ लोगों ने इस बाबत पुलिस को शिकायत की। पंजाब च किसानों ने झोने की खरीद के मसले को लेकर टोल फ्री किए, पर लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा से किसानों ने धरना मुलतवी कर दिता। वड्डी गिनती टोल प्लाजा से पहुंचे किट्टू से शब्दी वार। खन्ना के पिंड कुड़ाणी च गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिलया। वेरका दुध की डेयरी से दो बदमाशों ने एक नौजवान से तेज़धार हथियारों नाल अटैक किया। घटना सीसीटीवी कैद हुई।
जख्मी ने दसिया कि उन्होंने आंढ़ गुआंढ़ च रहने वाले नौजवानों ने उसकी भैन नाल छेड़छाड़ की सी, जिस तो बाद झगड़ा होया। तो अज सवेरे जदों डेयरी ते गया तो पहला उसकी अखां च मिर्च पाउडर पाया गया ते फिर तेजधार हथियारां नाल हमला कर। कश्मीर के बड़गांव च एक वड्डा हादसा वापरिया है। एक्सीडेंट च 15 तो ज़्यादा जवान जख्मी हो गए। जख्मियों को नेड़े दे अस्पताल दाखिल कराया गया। यह हादसा उस वेले वापरिया जदों CRPF 181F कंपनी के जवानों को एक ट्रक लैके जा रहा है। अचानक ट्रक का टायर स्लिप कर गया तो ट्रक खड्ड च जा डिग्गिया। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा। अमृतसर के कत्थू नंगल च पेद भरे हालातों एक लड़की की मौत हो गई। कुड़ी के पेके परिवार ने सहुरा परिवार से इल्जाम लाते हुए कहा कि उसनू कोई जहरीली चीज़ दे के मौत के घाट उतारिया गया। दस दिए कि 2 साल पहला मृतक सुखजिंदर सिंह का विआह होया सी ते उसका 1 साल का बच्चा भी है। पुलिस ने वख-वख तरावां के तहत मामला दर्ज किया।